हेलो फ्रेंड्स, सिंपल एंड टेस्टी खाने में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चने की सब्जी। एक कटोरी चनों को मैंने रात को अच्छी तरह धोकर भिगोकर रख दिया था। अब इसे कुकर में डालेंगे, साथ में इतना पानी डालेंगे जिसमें कि चने डूब जाए। मैंने एक कटोरी चने लिए थे, उस हिसाब से इसमें तीन गुना पानी डाला है। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, एक बड़ी इलायची, दो लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज पत्ता। अब इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वादानुसार नमक डालिए। अब इसे हिलाकर ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर एक सीटी आने देंगे। जब तक चने उबल रहे हैं तब तक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक गांठ लहसुन को छीलकर धो लिया है, साथ ही तीन टमाटर, तीन प्याज, अदरक और एक हरी मिर्च। अब सभी चीजों को रफली चॉप कर लेंगे। अब टमाटर को छोड़कर बाकी सारी चीजों को अदरा पीस लेंगे। एक सीटी आ चुकी है, अब फ्लेम को लो कर देंगे और चनों को 30 से 40 मिनट तक पकने देंगे। ये देसी चने हैं, इसे पकने में ज्यादा समय लगता है। जब तक चने उबल रहे हैं तब तक तड़का लगा लेते हैं। कढ़ाई में मैंने एक कड़छी रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। अब टमाटरों को भी पीस लेंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें आधा चम्मच नमक, क्योंकि एक चम्मच नमक मैंने चनों को उबालते समय डाल दिया था। साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच धनिया पाउडर। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को तेल छोड़ने तक पकाएंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब इसमें पिसे हुए टमाटर डालेंगे और इसे भी तेल छोड़ने तक पकाएंगे। मैं इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, इससे सब्जी का रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं होती, ये सिर्फ सब्जी की रंगत को बढ़ाती है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक जाली से ढक देंगे। चनों को पकने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। अगर हम एक तरफ चने उबलने के लिए रख दें और दूसरी तरफ तड़का लगा लें तो ऐसा करने से समय की काफी बचत हो जाती है। चनों को पकते हुए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, अब गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, इसमें मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे ढक्कन लगाकर एक सीटी आने देंगे ताकि सभी मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। एक सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दिया था और कुकर को ठंडा होने दिया। पककर तैयार है। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको काले चने की सब्जी की ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।